क्या आप जानते हैं काला जादू का पूरा सच क्या है? इसे कैसे किया जाता है या इससे बचने का उपाय क्या है? काला जादू, जिसे हम ब्लैक मैजिक के नाम से भी जानते हैं, यह एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सभी जानना चाहते हैं, और यह सवाल हमें हमेशा सताता रहता है कि क्या यह सच में होता है, इसे किया कैसे जाता है, इसे करने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। आइए इस वीडियो में जानते हैं पूरा सच। अगर हम विज्ञान के अनुसार देखें तो काला जादू मात्र एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका उपयोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से किया जा सकता है। यह जादू केवल ऊर्जा का एक समूह है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर भेजा जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अधिकतर मामलों में यह मनोवैज्ञानिक होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको घर से निकलते समय एक खोपड़ी या खून दिखाई दे तो अक्सर व्यक्ति भय के कारण बीमार पड़ सकता है, काम में मन नहीं लगता, और इससे व्यक्ति को आर्थिक रूप से भी परेशानी हो सकती है। जानकारों के अनुसार ऐसी घटनाओं के बाद जीवन में नकारात्मकता बढ़ जाती है क्योंकि भय आपको जकड़ लेता है और आपके दिमाग पर प्रभाव डालने लगता है। इस स्थिति में काला जादू की कला जानने वाले व्यक्ति आपको आसानी से अपने वश में कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आप काला जादू सीखने की विधि का इंतजार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा निराश होना होगा, क्योंकि अब इस वीडियो में हम आपको काला जादू करना तो सिखा नहीं पाएंगे, लेकिन हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसके प्रोसेस को जानने में आपकी मदद जरूर कर सकते हैं। दुख सुख सभी के जीवन के दो पहलू हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको दुख नहीं है और सुख का अनुभव नहीं है। फर्क बस इतना है कि इन दोनों की परिभाषा और इन्हें अनुभव करने का तरीका हम सभी के लिए अलग अलग है। यदि सुख आपके जीवन में किसी देवी देवता की पूजन और व्रत के बाद आता है तो जिस तरह आपका उस व्रत और पूजन पर अटूट विश्वास बन जाता है, उसी तरह आपके जीवन में दो काटे हुए नींबू, मिर्ची, लाल सिंदूर और कई दूसरे टोटके को अपने सामने देखने के बाद दुख का अनुभव करने से काला जादू या किसी टोटके पर आपका विश्वास पक्का हो जाता है। अब मानिए कि आपको कभी बताया ही नहीं गया हो कि नींबू मिर्ची से टोटका होता है, तो आपको नींबू मिर्ची जैसी चीज जिसका सेवन आप खुद रोज करते हैं उसके कहीं किसी तरीके से पड़े रहने से कैसा डर हो सकता है। अगर आपको ये नहीं पता हो कि किसी बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ अशुभ होता है तो जो होगा वो आप अपना संयोग मानकर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आज के इस जीवन में हमें इतना टोटका बता दिया गया है कि हम उन्हीं में परेशान होकर रह जाते हैं। हमारे लिए संघर्ष करने से बेहद आसान है कि किसी भी चीज को दोष देकर हम बड़ी आसानी से यह मान ले कि किसी ने कुछ कर दिया है और शायद इसीलिए सब गड़बड़ चल रहा है। अगर आप इन चीजों को अपने दिमाग में न आने दें और ऐसा मान ले कि आपके कर्म से बड़ा टोटका और कुछ नहीं है तो आपका जीवन इन चीजों से बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। अब आते हैं कुछ ऐसे लोगों पर जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसी घटनाओं को देखा या सुना होगा जो उन्हें इस बात से ऊपर लाकर खड़ा कर देती है और उनका पक्का विश्वास होता है कि काला जादू होता है और कोई भी उन पर कभी भी वो कर सकता है। काला जादू पर पूरा भरोसा और उससे डरने वाले लोगों के लिए हमारा जवाब है, अगर देव है तो दानव है, अगर जीव है तो आत्मा भी है, और अगर भगवान है तो भूत है। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि आपको किसी भूत ने कुछ कर दिया है या किसी ने आप पर कोई टोटका कर दिया है तो आप उन पवित्र आत्मा को रोज दीप जलाएं, जिसे आप पितर भी कहते हैं। आप इन पितरों से प्रार्थना करें कि वे आपकी रक्षा करें। आपको डरना केवल अपने कर्म से चाहिए, क्योंकि आपको परेशान करने वाले भूत, पिशाच और न जाने क्या क्या तभी आते हैं जब आपके जीवन में बुरा समय चल रहा हो। काला जादू पर पूरा भरोसा और उससे डरने वाले लोगों को अक्सर किसी चीज, किसी तरह के लोगों या किसी जगह से ज्यादा दिक्कत होती है। उन्हें तुरंत अपना माहौल, अपने आसपास के लोग और अपना रूटीन बिल्कुल बदल लेना चाहिए। ऐसे लोगों को प्रतिदिन दोनों पहर अपने घर में पवित्र मंत्रों का जाप और दिया बत्ती करना चाहिए। आधा घंटा योग साधना करना और भी ज्यादा उचित साबित हो सकता है। आपका विश्वास ही भगवान को जन्म देता है और आपका विश्वास ही भूत को जन्म दे सकता है। धन्यवाद।